स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 44 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कम्प्लीट वीडियो देखना है। ओके, पहला अनुवाद है, बल्ला मेरा है गेंद तुम्हारी। जैसा कि आपको पता है कि बल्ला और गेंद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, मेरा और तुम्हारी, इन दोनों के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, इट मीन्स ये दोनों क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस है। तब मेरा के लिए मैन प्रयोग करेंगे और तुम्हारी के लिए योर्स प्रयोग करेंगे, ठीक है। बल्ला मेरा है, द बैट इज माइन। उसके बाद है, गेंद तुम्हारी, द बॉल योर्स। अब आप बोलोगे कि मैंने द बॉल इज योर्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर गेंद तुम्हारी है नहीं लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि इस तरह का सेंटेंस कि बल्ला मेरा है गेंद तुम्हारी, हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बोलचाल में हम रिपीटेड वर्ब का यदि प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा भद्दा लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बनाया कि द बैट इज माइन, द बॉल योर्स, ठीक है। अब यह घोड़ा हमारा है, द हॉर्स इज आवर्स। हाथी उन लोगों का, द एलिफेंट देयर्स, ठीक है। घोड़ा हमारा है, हाथी उन लोगों का, द हॉर्स इज आवर्स, द एलिफेंट देयर्स। अब ये मेजे हमारी हैं, द डेस्क्स आर आवर्स। उसके बाद है, कुर्सियां उन लोगों की, द चेयर्स देयर्स। देखो जनरली क्या होता है, यदि नाउन प्लूरल हो तब उसके पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं, बट यदि उस नाउन से किसी खास, किसी निश्चित पूर्व परिचित का बोध हो तो किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष के उद्देश्य से हम द प्रयोग कर लेते हैं, फिर चाहे नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। मेजे हमारी हैं, किसी निश्चित मेजों का जिक्र है। कुर्सियां उन लोगों की, किसी निश्चित कुर्सियों का जिक्र है, इसलिए यहाँ पर मैंने डेस्क के पहले द लगाया और चेयर्स के पहले द लगाया, ठीक है। मेजे हमारी हैं, कुर्सियां उन लोगों की, द डेस्क आर आवर्स, द चेयर्स देयर्स, ठीक है। अब ये चूड़ियां उसकी हैं, द बेंगल्स आर हर्स। जूते मेरे, द शूज माइन, ठीक है। अब ये मेरा नीला है, तुम्हारा पीला। देखो यहाँ पर क्या है कि मेरा के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, तुम्हारा के बाद भी कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, और पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेरा के बाद यहाँ पर नीला है और तुम्हारा के बाद पीला है, तो यहाँ पर नीला और पीला ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मेरा नीला है, माइन इज ब्लू। अब है तुम्हारा पीला, योर्स येलो, ठीक है। मेरा नीला है, तुम्हारा पीला, माइन इज ब्लू, योर्स येलो। अब है उसका उजला है, तो क्या हो जाएगा, हिज इज व्हाइट, ठीक है। उसकी काली, हर्स ब्लैक। अब हम लोगों की भूरी है, तो हम लोगों की, आवर्स इज ब्राउन।
उन लोगों की चितकबरी देयर्स स्पॉटेड। हम लोगों की भूरी है उन लोगों की चितकबरी आवर्स इज ब्राउन देयर्स स्पॉटेड। अब है पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं तो क्या हो जाएगा द बुक इज माइन। पुस्तक मेरी है द बुक इज माइन तुम्हारी नहीं नॉट योर्स। अब है पुस्तकें मेरी हैं क्या हो जाएगा द बुक्स आर माइन। उसके बाद क्या है तुम्हारी नहीं नॉट योर्स। पुस्तकें मेरी हैं तुम्हारी नहीं द बुक्स आर माइन नॉट योर्स। गाय उसकी है हम लोगों की नहीं क्या हो जाएगा द काउ इज हर्स। हम लोगों की नहीं नोट आवर्स नोट आवर्स। ठीक है अब है गाय उसकी है प्लूरल हो गया तो द काउच। भर भी इसके साथ प्लूरल आएगा ठीक है आर हर्स नोट आवर्स। गायें उसकी हैं हम लोगों की नहीं द काउज आर हर्स नोट आवर्स। ठीक है अब है घोड़े उसके हैं देखो उसके के बगल में स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति के लिए लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हर्स प्रयोग करेंगे। ठीक है घोड़े उसके हैं द हर्सेज आर हर्स। ठीक है उन लोगों के नहीं नोट देयर्स। ठीक है अब है घोड़े उसके हैं उन लोगों के नहीं दोनों ट्रांसलेशन सेम है बट यहां पर उसके के बगल में स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति के लिए लिखा हुआ था तो मैंने हर्स प्रयोग किया और यहां पर पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति के लिए लिखा हुआ है तो हिज प्रयोग करेंगे। ठीक है घोड़े उसके हैं द हॉर्सेज आर हिज। ठीक है उन लोगों के नहीं नोट देयर्स। अब है यह पुस्तक मेरी है सब्जेक्ट आपका क्या है दिस बुक। ठीक है तो दिस बुक इज माइन। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था यह पुस्तक तो दिस बुक मैंने लिखा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर आ गया और मेरी के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है इट मीन्स ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है तो इसके लिए मैंने माइन प्रयोग किया। अब है तुम्हारी नहीं तो क्या हो जाएगा नॉट योर्स। ये पुस्तकें मेरी हैं क्या हो जाएगा दीज बुक्स। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो भर भी प्लूरल आएगा ये पुस्तकें मेरी हैं तुम्हारी नहीं दीज बुक्स आर माइन नॉट योर्स। ठीक है अब यह मेरी पुस्तक है देखो यहां पर यह सब्जेक्ट है। ठीक है तो दिस लिखेंगे और दिस के साथ भर भी सिंगुलर आएगा। ठीक है तो दिस इज। अब आप देखो यहां पर क्या है मेरी के बाद पुस्तक नाउन प्रयोग हुआ है तो हम कह सकते हैं यहां पर मेरी क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे माय प्रयोग करेंगे। ठीक है यह मेरी पुस्तक है दिस इज माय बुक। ठीक है अब है तुम्हारी नहीं नोट योर्स।
एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, केवल यह, ठीक है। तो मैंने दिस लिखा, अब दिस के साथ वर्ब सिंगुलर आता है तो मैंने इज लगा दिया। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि मेरी के बाद पुस्तक नाउन प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मेरी क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जब मेरी पोजेसिव एडजेक्टिव हो तब मेरी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, माय प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माय बुक, तुम्हारी नहीं, नॉट योर्स, ठीक है। अब ये मेरी पुस्तकें हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, ठीक है। तो दीज, दीज के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। तो दीज आर, अब देखो मेरी के बाद नाउन प्रयोग हुआ है तो मेरी यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर मेरी के लिए क्या आएगा, माय, ठीक है। उसके बाद पुस्तकें, बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माय बुक्स, ठीक है। तुम्हारी नहीं, नोट योर्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, तुम्हारी नहीं, दीज आर माय बुक्स, नोट योर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।